अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले सीरीज। और आज से हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। जैसा कि आप लोगों को इस गेम के बारे में पता होगा, पर जिन लोगों को नहीं पता पर उनके लिए भी ये एक वीडियो कारामत साबित हो सकती है, क्योंकि हम लोग ये सबसे पहली मरतबा ये गेम खेल रहे हैं। और इस गेम को मैंने इंस्टॉल किया था पर इसकी ग्राफिक जो है मुझे सूटेबल नहीं लगी, तो इस वजह से मैंने इस गेम को फिर डिलीट कर दिया था। पर अभी हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट ही पॉपुलर गेम है ये। और अभी हम लोग अपने वर्ल्ड का नाम लिखेंगे और हमारे वर्ल्ड का नाम जो है वो वर्ल्ड ही है। ओके गाइस, तो हमने अपना वर्ल्ड का नाम लिख दिया है। अभी इस गेम के बारे में थोड़े कुछ बता देता हूँ। इसमें हम लोग क्राफ्टिंग करेंगे, बहुत सारे वेपन्स बनाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग अपने रहन सहन का जगह बनाएंगे। जिस तरह सर्वाइवल गेम होता है ये इसी टाइप का गेम है। मुझे भी इतना बहुत कुछ आता नहीं है पर मैंने भी एक गाइड वीडियो देख ली थी कि थोड़ा बहुत जो है मैं ये इसको कर सकूं, तो अपनी प्रेजेंटेशन के लिए काफी हो जाए। ये हमारा गेम स्टार्ट हो गया है और हम लोग यहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी आ चुके हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें ये किस जगह पे हमें लोगों ने जो है फोन किया है। तो मैं यहाँ से एक बार बाहर का नज़ारा देख लूँ ताकि ये कहाँ पर। ओ भाई, यहाँ पर तो ओ भाई साहब, वो देखे सामने मकड़ी जो है उस पानी के अंदर। तो खैर, सबसे पहले इस गेम में सबसे पहले हमें वुड इकट्ठी करनी पड़ती है और वो वुड से जो है हमें बहुत सारी क्राफ्टिंग करनी पड़ती है और फिर बहुत सारे वेपन्स बनाने पड़ते हैं। तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल इस दरख्त को काट देता हूँ। पर ये कुछ वाइट सा दरख्त है, पता नहीं ये क्या है, जो कि हमारे बुक लिस्ट में ऐड हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसको भी काट देता हूँ ताकि अपने पास वुड की कोई कमी ना हो, हम लोग इस पर वेपन्स बना सके और वेपन्स हमारे लिए फिर कारामत होगी, क्योंकि अभी ये जो दरख्त काट रहा है बहुत ही सुस्त करके काट रहे हैं। आप लोग ये देख सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास इन्वेंट्री में देख लेते हैं कि ये हमारे पास ब्रिज वुड आए, तो ये पता नहीं कौन से कैसे वाइट कलर के वुड है। और ये देखे सारे के सारे डब्बे डब्बे बने हुए हैं। इसकी ग्राफिक चेक करो, बिल्कुल एक जैसे ये लेक क्यों हो रहा है भाई। अभी इसको मैं अगर मारूंगा तो इसमें मुझे हमें बीज भी मिलेंगे यहाँ पे, जो एक डब्बा सा टाइप बनकर आते हैं। तो गाइज, इसमें रात होने से पहले हमें एक घर सब बनाना पड़ता है। और इस गेम में अजीब सी बात यह है कि रात में सारे के सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो फिर बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है और हमें कोई मौका ही नहीं मिलता भागने का, वो हम पे अटैक करते हैं। तो यहाँ से ये कुछ भाई बड़ी अजीब सी जगह ही है, देखे कहाँ से कैसे गिर रहा हूँ, कुछ सही सेटअप नहीं लग रहा। एक बार मैं ऊपर चला जाता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ से कुछ हमें शायद कुछ मिल जाए। ओ ये क्या चीज़ है, ओ ये मेरे ख्याल से शिप है। नहीं, ये इस तरह नहीं मरेंगे, इसके लिए हमें मुझे जो है वो वेपन्स बनाने पड़ेंगे। और ये वेपन्स बनाने के लिए ये इस वुड को मैं ले लेता हूँ। बड़ा अजीब सी जगह पे हमें स्पॉन किया हुआ है, जो कि पता नहीं कैसी जगह है ये। इसकी मैं बात कर रहा था। इसमें अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपको इसमें बीज मिल सकते हैं, सीड, इससे आप फिर फार्म बनाने में आपको काम आएंगे। पर मुझे इस गेम के बारे में इतना तो नहीं पता, पर मैंने थोड़ी बहुत गाइड वीडियो देख ली थी, उसकी वजह से थोड़ा बहुत मैं कर पा रहा हूँ। अभी यहाँ पे सारे के सारे वाइट दरख्त है, इसकी समझ में नहीं आती कि ये वाइट। ओके गाइस, तो मैंने इसकी भी क्राफ्टिंग कर दी, मैं ले लेता हूँ। अभी मुझे और नीचे नहीं जाना। ओ भाई मुझे लग गई। ओके गाइस, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो है इसमें हमारे ब्रिज वुड से हमें क्या मिलते हैं, इसको क्राफ्ट करके देखते हैं। इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और ये हमें हमारे पास प्लैंक आ गया। ये अच्छा खासा हो गया हमारे पास प्लैंक, ज़बरदस्त। और अभी हम इसका एक क्राफ्ट टेबल बनाएंगे, जो कि हमें क्राफ्टिंग करने में आसानी होगी। इसको मैं यहाँ से एक, ये हमारी बन गई क्राफ्टिंग टेबल, इसको मैं अपने पास रख देता हूँ। और दूसरा जो है इसकी मैं एक स्टिक भी बना लेता हूँ। ये हमारे पास स्टिक आ गई, स्टिक भी हम लोग ले लेते हैं। स्टिक मैंने उठा ली है, एक कुछ और स्टिक बना लेते हैं। ओके गाइस, हमारे पास क्राफ्टिंग टेबल आ चुका है। अभी हम लोग इससे जो है वेपन्स बनाएंगे। इसको मैंने यहाँ रख दिया है और इसको हम क्राफ्ट करेंगे। तो क्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए, सबसे पहले एक्स बनाएंगे। एक्स बनाने के लिए यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे हम स्टिक ले लेंगे और ये
ये हमारे बन गई, इसको क्या कहते हैं, पिकेक्स। हमारे पास पिकेक्स आ चुकी है, पर ये वुड की है, ये इतनी खास मतलब स्ट्रोंग नहीं होगी। इसके लिए हमें स्टोन कलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है हमारे पास सही वाली स्ट्रोंग वाली पिकेक्स बनेगी। तो चाहिए तो मैंने बना दिए, इसको मैं हटा देता हूँ, ये एक मैंने और बना दिया। ओके, तो ये हमारे पास वुड इन आ गया, इसको भी मैं ले लेता हूँ। एक हम बनाएंगे शावल, शावल बनाने के लिए 2 स्टिक और 1 प्लैंक, और ये हमारी शावल तैयार हो गई। ओके, तो फिलहाल हमारे पास ये आ गए, तो उसको मैं वापस ले लेता हूँ। अब आप चेक कर सकते हैं कि कितनी स्पीड के साथ जो है ये अभी तोड़ रहा है। हम लोग नीचे जाएंगे और यहाँ से, ओ थी बच गए भाई, तो यहाँ से जो है सारा का सारा स्टोन हम कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखे सारा स्टोन है, नहीं मैं इसको उठा लेता हूँ, पिकेक्स को, पिकेक्स से थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम होगा। ये मैंने स्टोन मेरे पास बहुत सारा अब आ जाएगा, अभी मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अब मुझे ख्याल करना है कि मैं ज़्यादा नीचे ना चला जाऊँ, वरना मुझे वापसी में फिर बड़ा मसला होगा। मैं या जो इसको मैं काट देता हूँ जो ऊपर ऊपर है फुल टाइम। ओके गाइस, हमारे पास अच्छा खासा स्टोन आ चुका है, और ये मैं इसको मैं काट रहा हूँ फुल फन फाइनल। हम जितना स्टोन कलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे पास जो वेपन्स आएंगे वो एक तगड़ी वेपन्स होंगे, और इसमें हम लोग फिर अपने सर्वाइव के लिए एक अच्छा सा वेपन्स बनाएंगे, तो ताकि हमें कोई एनिमल मेंबर अगर अटैक करेगा तो हम उससे बचेंगे। ये क्या चीज़ है? ओके गाइस, तो हमारे पास एक और चीज़ भी आ गई है, क्या है, हमें उससे बहुत सारे स्टोन ले लेते हैं। ओके गाइस, तो फिलहाल के लिए यहाँ से बहुत है नीचे गुफा में, मैंने देखा था यहाँ पे कोई जूम्बीज वूम्बीज का भी ख़तरा होता है। अभी मैं यहाँ से अपने लिए जगह बना देता हूँ, हम लोग ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। और भाई नीचे एक वो भी मिलता है ना, कोयल, कोयला, जिससे हम आग लगा सकते हैं। पर मुझे ज़्यादा नीचे, यार मैं बहुत ही नीचे आ गया, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, यहाँ से ये क्या चीज़ है, फिर मुझे बाहर निकलने के लिए बड़ा मसला पड़ जाएगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और अभी हम लोगों ने वेपन्स बना लिए, पर इतने जो वे स्ट्रॉन्ग वेपन्स नहीं है। अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग के वेपन्स भी बनाएंगे, पर यहाँ पे रात हो चुकी है, तो हमें यहाँ पे अभी ज़ोंबीज आने का भी ख़तरा है, हमें उनसे भी बचना है। हमारी जो पिकेक्स थी वो टूट चुकी है, पर अभी हम अपना यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल रखेंगे और इसमें अपनी क्राफ्टिंग करेंगे स्टोन के साथ। यहाँ पे ये, हाँ ये स्टोन है, इसको मैंने ये रख दिया, और यहाँ पे मैं स्टिक रख देता हूँ। नहीं मेरे पास स्टिक बहुत कम है, अपने एक्स लेते, दोबारा से क्राफ्टिंग टेबल ले लेते, ये टूटने में बड़ा टाइम ले रही। देखिए गाइस, रात हो चुकी है, और मैं यहाँ पे बहुत ही गंदा सा फंस गया हूँ, बहुत ही बेकार जगह पे मैं, मुझे यहाँ पे फेंका गया है। ओके, मैं ऊपर आ चुका हूँ, इस पेड़ को मैं यहाँ से काट देता हूँ। ओए अरे ज़ोंबी, अरे तेरी बेंस की, यार मैं नीचे ही सही था यार, भागो 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 भागो, रात हो गई है और ज़ोंबीज आना शुरू हो गए, और ये देखो सामने वो तेरी बेंस की, भागो भागो, वो एक और सारे मेरे पीछे, भाई साहब बगू 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 बगू, यहाँ से नीचे 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 नीचे, हटो 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 हटो, तेरी बेंस की निकल, वो तेरी, यार फील मेरी कम हो गई, वो मुझे शिप मिल गई, शिप मिल गई। इससे इसको मारने के बाद जो वून मिलेगा उससे मैं अपना बेड बना सकता हूँ, और वो तेरी ये तो भाग गई बे, इधर आ तेरी बेंस की, मैं मर क्यों दे रही, नहीं इसके लिए मुझे वो तलवार बनानी पड़ेगी। नहीं मैं यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल रख देता हूँ फटाफट से, ये मैंने यहाँ पे रख दी, और यहाँ से मैं बुक में देख लेता हूँ। ओके, अपने पास वेपन्स आ चुका है, उसको मैं फटाफट से ले लेता हूँ वापस, और ऊपर शिप के जाते और उस शिप को मारते। ये रिवाज, 2 शिप है, तो ये खड़ी भी उतरी है, ये भी ना बा तेरी बैंस की निगल, मैं इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर इधर इधर। ओके, ये मैंने यहाँ से ले ली, हमारे पास मीड भी आ गया होगा, मीड आ गया है अच्छा खासा, और क्राफ्टिंग टेबल है, और वून भी आ गया है।
ये जगह थोड़ी सेफ है, यहाँ पे ज़ोंबी आने का कोई ख़तरा मतरा नहीं है। मतलब यहाँ पे ज़ोंबीज़ वगैरह अभी तक तो फ़िलहाल यहाँ पे कोई ज़ोंबीज़ नहीं आए, तो इस वजह से ये जगह मुझे थोड़ी सेफ लग रही है। और ये इसको तोड़ने से थोड़े सीड मीड मिल जाते हैं, बीज जो मैं आगे जाके फार्म बनाने में काम आएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी जो वेपन्स है उसको स्टोन वाली वेपन्स बना लेता हूँ, पर उसके लिए मुझे दोबारा से अपनी क्राफ्टिंग टेबल लगानी पड़ेगी। और मेरी क्राफ्टिंग टेबल है कहाँ? ये रही, फालतू का सामान है, इसको मैं हटा देता हूँ। अपनी क्राफ्टिंग टेबल को लगा लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से इसको क्राफ्ट करते। यहाँ पे हम रखेंगे 2 स्टोन। ओ भाई, इससे पहले कि मुझे सबसे पहले मुझे स्टिक बनानी है, स्टिक बनाने के लिए मैं यहाँ पे प्लैंक रख देता हूँ। नो ब्लैंक, 4 स्टिक आ गई, 4 स्टिक और हो गई, 8 स्टिक हो गई हमारे पास। ओके, ये होगी 12 स्टिक। इन प्लैंक को मैं एक ही जगह कर देता हूँ ताकि हमारी जो बैग है उसमें थोड़ी जगह हो जाए। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे तो ये स्टिक बना दिए। अब आगे वो देखे गाइस, ये बड़ी सेफ जगह थी, यहाँ पे सुबह भी हो गई। तो खैर, मैं जल्दी से अपनी वेपन्स बनाता हूँ, जो कि स्टिक और हमारी पिकेक्स तैयार, तगड़ी वाली पिकेक्स है वो तैयार हो चुकी है, इसको मैं ले लेता हूँ। ओके, इसको भी मैं स्टोन अपने पास काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा स्टोन आएगा। अब इसके लिए मैं यहाँ से इसको यहाँ ये रखी, और यहाँ से मैं इसको स्टिक लगा लेता हूँ। ओके गाइस, अपने पास स्टोन एक्स भी आ चुकी है तगड़ी वाली। खैर, फिलहाल के लिए तो ये सही है। इसको मैं वापस अपनी क्राफ्टिंग टेबल को हम ले ले लेते हैं, और यहाँ पे मैंने ये इसको बना दिया। अभी हम लोग ऊपर चलते हैं, देखिएगा इसकी कितनी स्पीड के साथ सारे के सारे जो पत्थर है उसको तोड़ती जा रही है हमारी पिकैक्स ज़बरदस्त वाली। अब मैं यहाँ से ऊपर आ चुका हूँ, पर अभी मुझे यहाँ पे बहुत सारा काम करना है। मुझे विलेज ढूंढना है, और फिर उसके बाद जो है काफ़ी हद तक अपने वहाँ पे घर बनाना है, और उसके बाद जो है काफ़ी काम करना है। मैं थोड़ी सी वुड इकट्ठी कर लेता हूँ यहाँ से, ये मैंने ले ली, इसको भी मैं काट देता हूँ यहाँ से। और आगे सारा का सारा पानी यहाँ पे शिप शिप है, अपनी शिप को तो मार देता हूँ। त्रिवेंस की निकल, यहाँ से हमें अच्छा खासा मीट मिल गया, और यहाँ पे सारा पानी का पानी है। खैर, यहाँ पे तो फिलहाल सारा का सारा पानी है, और मैं यहाँ से और स्पॉन नहीं कर सकता। फिर हम लोगों ने वेपन सही से तैयार कर दी है, ऊपर साइड पे चलते हैं कि क्या सीन है। यहाँ पे मुझे स्टोन मिला है, इसके लिए तो मैं अपनी पिकेक्स ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने फिलहाल तो वेपन्स बना दिए, वेपन्स बनाना हम लोग सीख गए अच्छे से। आगे की वीडियोस में हम लोग और भी काम करेंगे, अपना एक शानदार घर बनाएंगे। पर इसके इससे पहले कि मैं फिलहाल जो है एक बेड बना देता हूँ, क्योंकि बेड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात होने के बाद जो है वो रात बहुत देर से जाती है, और हम लोग वो सारी रात फिर इसी तरह घूमते रहते हैं, तो इस वजह से हम लोग बेड बनाना ज़रूरी है। मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल, मेरी कहाँ पर है, ये रही क्राफ्टिंग टेबल, और यहाँ से इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास मजबूत वाली नहीं है, तो मैं मजबूत वाली बनाऊंगा। यहाँ पे मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्राफ्टिंग। इसके लिए हमें ऊंच चाहिए। ओके गाइस, हमारे पास अपना बेड आ चुका है, तो हम लोगों ने वो तीन बेड हमने तैयार कर दिए। अब हम इसमें सो सकते हैं, और अपनी जो रात है वो उसमें गुजार सकते हैं ऐसे आसानी की तरह। तो ओके गाइस, फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताइए कि मुझे इस सीरीज़ में और वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, और मुझे थोड़ी सी गाइडेंस भी दे दिया करें ताकि मैं इसको किस तरह से खेलूँ। अगली वीडियो में हम लोग एक दूसरी जगह पे स्पॉन होंगे, क्योंकि ये जगह मुझे कुछ सेट नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे एक आयरलैंड टाइप का है, तो इस वजह से यहाँ पे वेलेज हमें शायद मिले या ना मिले, मिल नहीं सकता। तो अगली दफ़ा हम लोग इंशाल्लाह एक नई जगह पे स्पॉन हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।